संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन कर रहे 92 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई से नाराज विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और संसद से सांसदों के निलंबन की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं आज लोकसभा से 41 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम डिंपल यादव का है। अपने शालीन व्यवहार के लिए जानी जाने वाली डिंपल यादव भी सस्पेंड कर दी गई हैं। अब तक दोनों सदनों से कुल मिलाकर 141 संसद सदस्य निलंबित किए जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि यह संख्या कहां तक पहुंचती है। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है।